सलाम यूवर्स कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया में तो आज मैं आपको घर की मलाई से देसी घी बनाना सिखाऊंगी ये देखे मैंने ये बना के इस तरह से सेव कर लिए तो जैसे हम मैं इसके साथ अपने बच्चों को पराठा बना के देती हूँ अंडा भी इसी में फ्राई करती हूँ तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये कैसे बनाना है तो दूध सभी के घर में आता है तो ये दूध के ऊपर जब हम लोग दूध को गर्म करते हैं उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मलाई की तो ये वो मलाई है मैंने उतार के इस तरह से सेव कर ली थी इसको फ्रीज़र में रख के तो काफ़ी मेरे पास जमा हो गई थी जैसे ये दो है मेरे पास जार डब्बे तो ये भरे हुए हैं तो इसलिए अभी मैंने सोचा आप लोगों को जैसे घी बनाना सिखाती हूँ तो अभी इसको रात भर मैं रखूँगी बाहर ताकि ये नॉर्मल टम्परेचर भी आ जाए क्योंकि ये फ्रीज हुई हुई है तो बर्फ़ बनी हुई है तो इसलिए मैंने इसको निकाल दी है ओवर नाइट के लिए तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी अच्छे से तो ये देखें जी सुबह हो गई है अभी हम इसको देखते हैं ये देखें बिल्कुल ये नॉर्मल हो गई है ये देखें चम्मच इसमें लगा रहे हैं तो वो आराम से इसके अंदर जा रहा है तो अभी मैं इसके अंदर थ्री या फ़ोर टेबल स्पून दही के लगा दूँगी इन दोनों को मैं एक सा, एक जमा कर लूँगी एक डब्बे में तो इसको मैं दही लगा दूँगी अच्छे से इस तरह से और फिर इसको रखूंगी एक से दो घंटे के लिए ताकि ये जो दही है इनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये देखें तो ये इस तरह से मैंने लगा दी इसके अंदर तो ये दो से तीन घंटे में ये अच्छे से दही जो है इसके अंदर मिक्स हो गई है तो अभी हम इसको करेंगे बीटर के साथ बीट और मैं साथ में रखूँगी ठंडा पानी भी पास और बर्फ़ के क्यूब्स भी तो जैसे हम इसके अंदर पानी ठंडा डालेंगे तो फिर ये घी जो है वो ऊपर आता जाएगा और पानी जो है वो अलग होता जाएगा तो अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप लोग जैसे वो जिसके साथ हम लोग साग करते हैं या फिर लस्सी वगैरह बनाते हैं तो हम लोग वो इसको गोहटना बोलते हैं उसके साथ भी हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं घर पर इस तरह से तो इसी तरह हम लोग इसको इसमें भी थोड़ा पानी डालेंगे तो फिर ये जो है वो अलग हो जाएगा पानी और घी अलग इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा बीट करना है तो बहुत आसान है घर पे हम लोग इसको बना के रख सकते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको ये पानी ठंडा में इसमें ऐड करूँगी पानी के साथ ये है कि ये बिल्कुल मक्खन जो है वो जल्दी ऊपर आ जाएगा और पानी जो है इसका वो अलग हो जाएगा और पानी हमने इसमें बिल्कुल ठंडा डालना है तो इसी तरह चलाती जाऊँगी बीटर और बॉल जो है वो छोटा था इसलिए मैंने इसको बड़े बॉल में शिफ्ट कर लिए इसमें डालूंगी क्यूब्स इस तरह से क्यूब्स डाल के फिर इसको बीट करेंगे हम और साथ में ठंडा पानी भी डालेंगे और बर्फ़ भी इसी तरह हम लोग आसानी से आराम से बना सकते हैं इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे हम लोग बर्फी बना सकते हैं लड्डू हम लोग बनाते हैं उसमें भी ये डाल सकते हैं तो जो आपको रेसिपीज़ में बनाना सिखाती हूँ उसमें भी ये बहुत यूज़ होता है बिस्किट्स में तो देसी घी का टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग ही आता है इससे बहुत मज़े की और हेल्दी चीज़ें बनती हैं तो ये देखिए आप लोग पानी देखिए बिल्कुल अलग हो गया और ये मक्खन जो है वो अलग हो गया अभी मैं इसको इस तरह से हाथ से पकड़ के तो पानी ठंडे में डालूंगी ताकि ये एक दफ़ा वॉश हो जाए ये देखें इस तरह से और अब इसको उठाऊंगी और एक जिसमें हमने इसको गर्म करना है उसमें हम इसको डालते जाएंगे इस तरह से बस थोड़ा सा पानी हमने इसको निचोड़ लेना है इसका तो ये यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ये डाल दी इस तरह से पेड़े बना बना के उसी तरह मैं सारे डाल दूँगी इसके अंदर तो बस अभी हम लोग इसको करेंगे गर्म तो ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो ये देखिए सारा डाल दिए फ्लेम ऑन हो गई ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो ये अभी सारा मेल्ट होगा इसके अंदर और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता घी बन जाएगा तो आप लोगों ने इसको आसानी से बना लेना कोई मुश्किल नहीं है तो ये है कि बहुत अच्छा देसी घी घर का बहुत अच्छा बन जाता है तो ये मलाई भी हम लोग कोई भी इतनी खाना पसंद नहीं करता दूध के ऊपर से हम लोग इसको अलग कर देते हैं तो ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गई है तो अभी जैसे जैसे पकती जाएगी और घी जो है इसके ऊपर आता जाएगा इस तरह से अभी ये थोड़ी सी और पकेगी तो फिर बिल्कुल जब ये जो जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमारा घी जो है वो रेडी हो जाएगा तभी तो देखिए घी काफ़ी ऊपर आ गया लेकिन इससे और ज़्यादा निकलेगा तो ये देखें कितना साफ़ और कितना शफाफ घी ये देखें और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें घर पे ही बनाऊं तो इसलिए मैं आपको भी बनाना सिखाती हूँ ताकि आप लोग भी देखा करें और घर पे आसानी से बना लिया करें मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ बच्चों को कम देती हूँ बाहर से ला तो ये कि घर पर ट्राई करती हूँ तो अभी ये इसको मैं इस तरह से छान लूँगी और ये एक डब्बा जो है भर के सेव कर लूँगी मैं <coughs> तो ये देखिए इसी तरह मैं सारा छान के इसके अंदर सेव कर लूँगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी